अब फिलामेंट धागे को टेक्सचर्ड करना। यदि हम पॉलिएस्टर मल्टीफिलामेंट धागा ले लें 76/24/0 तथा उसमें 3000 ऐंठन प्रति मीटर दें तथा उसके बाद उसे स्वतंत्र छोड़ दें तो ऐंठन लुप्त हो जाएगी। यदि ऐंठन युक्त धागों को इसी स्थिति में ताप से प्रक्रिया कराई जाए तो ऐंठन स्थिर रहेगी। धागे की प्रक्रिया करने के पश्चात उसकी त्रुटियां दिखाई देंगी तथा धागे को खुली संरचना प्रदान करेंगी। यह ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड थर्मोप्लास्टिक मल्टीफिलामेंट धागे की टेक्सचरिंग की विधि है। यह टेक्सचरिंग की एक धीमी प्रक्रिया है। आजकल टेक्सचरिंग की विधि उद्योग में प्रचलित है। उसमें टेक्सचरिंग 1000 मीटर मिनट की गति से की जाती है। इस विधि का नियम चित्र के माध्यम से समझाया गया है। पहले चित्र में स्थिर फिलामेंट है जिसके दोनों सिरे एक स्पंडल के माध्यम से बंधे हुए हैं। जैसे ही स्पंडल को दिखाई गई दिशा में घुमाया जाता है तो नीचे के भाग में एस ट्विस्ट तथा ऊपर के भाग में जेड ट्विस्ट उत्पन्न हो जाता है। दूसरे चित्र में दिखाया गया स्केच दर्शाई गई दिशा में घूमते हुए गतिशील धागे का है। अब यदि प्रयोग किया जाए तो नीचे के भाग में ऐंठन आएगी तथा ऊपर के भाग में धागे की ऐंठन खुल जाएगी क्योंकि धागा ऊपर की ओर चलता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कारण यह है कि समान तथा विपरीत ऐंठन ऊपर के भाग में पैदा होती है तथा टेक्सचरिंग धागे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। चित्र के परीक्षण से ये स्पष्ट हो जाता है कि टेक्सचरिंग मशीन में घुमाने वाली स्पिंडल लगी है। यह कृत्रिम ऐंठन टेक्सचरिंग मशीन है जो उच्च गति पर टेक्सचर्ड धागा बनाती है। बनाए गए अलग अलग डिग्री का ढीलापन विभिन्न ताप की प्रक्रिया का परिणाम है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि मल्टीफिलामेंट धागे की तुलना में टेक्सचर्ड धागों में वायु तथा पानी की पारगम्यता बहुत अधिक होती है। मल्टीफिलामेंट पॉलिएस्टर तथा नायलॉन की टेक्सचर किए धागे आराम तथा स्पन धागे स्पीड वियर बनाने तथा पॉलिएस्टर टेक्सचर धागे ड्रेस सामग्री के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं।